दोस्तों तुम्हारा एटीट्यूड कैसा भी हो, अगर इस वीडियो को देखकर वो विनर एटीट्यूड नहीं बना तो सीधा डिसलाइक मार देना और चले जाना। लेकिन अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ही करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप और आपका एटीट्यूड एकदम से चेंज होने वाला है। दोस्तों एटीट्यूड दो तरह का होता है, एक विनर एटीट्यूड और दूसरा लूजर एटीट्यूड। स्टीव जॉब की टीम ने एक फोन तैयार किया था जो कि साइज में काफी बड़ा था। इस पर स्टीव जॉब ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसे उस टीम बनाओ, पर इस टीम का कहना था कि वो इस फोन को उस टीम नहीं बना सकते। इस बात पर स्टीव जॉब ने फोन को फिश टैंक में डाल दिया और जैसे ही फोन को पानी में डाला इससे कुछ बबल्स बाहर आए और फिर इस पर स्टीव जॉब ने अपनी टीम से कहा, अगर इसमें हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब है हम इसे और स्टीम बना सकते हैं। और ये होता है दोस्तों विनर एटीट्यूड। दोस्तों ये कोई पैदाइशी नहीं होता बल्कि हमें खुद से डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों विनर एटीट्यूड बंदे को वो नजरिया देता है जिससे वो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है, और वहीं जहां पर सबको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं वहीं ये बंदा कामयाबी हासिल कर लेता है। एक बंदा था जो कि अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता था, वो बोलने में हकलाता था। उसका एक सपना था कि वो एक्टर बने, लेकिन उसके हकलाने की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। पर उस जिद्दी बंदे ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद का एक शो बनाया जिसमें वो बिना एक लफ्ज बोले अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था, और ये शो सुपर डुपर हिट हुआ और लोगों ने भी इसे काफी पसंद किया। और शायद अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीन की। अगर अपने अंदर की कमी की वजह से इन्होंने हार मान ली होती तो क्या यह दुनिया इन्हें जानती कभी नहीं। दोस्तों प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती हैं, जब तक आप जिंदा हैं यह प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका हल ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम कभी भी अकेली नहीं आती बल्कि वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। पर हमारा फोकस प्रॉब्लम पर ही इतना होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते। दोस्तों याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी प्रॉब्लम से हटकर कुछ कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम खुद ही दबा देता है। जहां एक बार फेल होने पर लोग हार मान लेते हैं, वहां इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था बल्कि एक वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, फिर भी इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसके एटीट्यूड ने इसे हार नहीं मानने दी और इसने अपने फेलियर को एक अलग नजरिए से देखा और इनसे सीखता गया। और जिसे वेटर की जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था और आज वही चाइना का सबसे अमीर बंदा है। क्या बात है, ये होता है एटीट्यूड का पावर। और दोस्तों एक बात याद रखना, गलतियां उन्हीं से होती हैं, फेल वही लोग होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं, और उनकी गलतियों की गूंज वही लोग करते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सोच अपना नजरिया इतना पॉजिटिव रखो कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उसे भी जीत जाओगे। अपने एटीट्यूड को पहाड़ की तरह बुलंद और मजबूत बनाओ जिसे कभी भी कोई गिरा ना पाए, और फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो क्योंकि फेल तो सभी होते हैं। आप हिस्ट्री को देख सकते हैं, जो लोग कामयाब हैं वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेल जरूर हुए थे, और इसलिए फेलियर से कभी भी डरो मत बल्कि उसे सीखो। 90% लोग फेल होने की वजह से कुछ भी नहीं करते, और इसलिए फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी सक्सेस से ज्यादा अपने फेलियर से सीखते हो, और ये 90% लोग वही घिसी पिटी लाइफ जीते हैं, पर जो बाकी के 10% लोग होते हैं वो कुछ हट के सोच जाते हैं और फेलियर से लड़के कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कि भीड़ की वजह बनते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको भीड़ की वजह बनना है या फिर भीड़ का हिस्सा। दोस्तों इस वीडियो का एंड हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से करेंगे। एक गांव में एक बंदा रहता था जो कि बहुत ज्यादा शराब पीता था, और उसके दो बेटे थे जो हर रोज उसे इस हालत में देखते थे। 10 साल बाद एक बेटा अपने बाप की तरह शराबी बन गया और दूसरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। जब दोनों से इनकी सिचुएशन की वजह पूछी गई तब दोनों का जवाब भी सेम ही था। दोनों ने कहा, आज मैं जो भी हूँ अपने बाप की वजह से हूँ। दोस्तों दोनों का प्रॉब्लम भी सेम ही था, पर उनके एटीट्यूड ने उन्हें अलग बना दिया। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल यूनिवर्सल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इस घंटी को भी दबा दें ताकि मैं जब भी अपने कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ।